एवरीवन, कैसे हैं आप लोग दोस्तों। उम्मीद करता हूं आप सब बढ़िया होंगे। दोस्तों आज हम आपको बताने वाले हैं कि बैंक ऑफ बड़ौदा की तरफ से जो आपकी भर्ती बीसी सुपरवाइजर की निकाली गई है उसका ऑफलाइन फॉर्म आपको कैसे भरना है। ये रहा कंप्लीट फॉर्म दोस्तों, 3 पेज का पूरा फॉर्म है, हमने पूरा इसको दोस्तों कंप्लीट कर लिया है। तो मैं आज आपको पूरा बताने वाला हूँ कि फॉर्म आपको कंप्लीट कैसे करना, स्टेप बाय स्टेप, कोई गलती नहीं करना। ठीक, चलिए फॉर्म शुरू करने से पहले एक छोटी सी जो है जानकारी आपको कि ये जो फॉर्म भरने की प्रक्रिया है, ये जो वीडियो जिस चैनल पे आप देख रहे हैं अब से इस चैनल पे नहीं आएंगे। उसके लिए हमारा दूसरा चैनल है जहाँ पे हम सारे ऑल इंडिया जितने भी फॉर्म है, चाहे ऑनलाइन हो चाहे ऑफलाइन, सब भर के बताते हैं। और उस चैनल का नाम है फॉर्म सही भरे, हमारा ही चैनल है। और दोस्तों उस चैनल का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दीजिएगा, आप लोग ज्वाइन कर लीजिए। इस चैनल पर सिर्फ नोटिफिकेशन आएगा, फॉर्म भरने का वीडियो नहीं आएगा। ये लास्ट वीडियो है फॉर्म भरने का जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। ठीक, तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। तो दोस्तों ये रहा बैंक ऑफ बड़ौदा बीसी सुपरवाइजर का जो है ऑफलाइन फॉर्म। अगर आपको ऑफलाइन फॉर्म नहीं मिला है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं, और टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको दोस्तों वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। इस भर्ती के बारे में अगर आपको डिटेल नहीं पता है, आप नए हैं, तो आप चैनल पर जाके भर्ती डिटेल भी देख सकते हैं। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं एप्लीकेशन फॉर द बिजनेस करेस्पॉन्डेंस सुपरवाइजर बैंक ऑफ बड़ौदा। ठीक है, तो यहाँ पर आपको देखिए रीजन, तो यहाँ पर आपका रीजन मैंने बताया धात्री रीजन, और यहाँ पर दोस्तों आपका स्टेट जो है वो आपका छत्तीसगढ़। फिर यहाँ पे आपको डेट लिखना है 6/5/2024 को दोस्तों ये आपका जारी किया गया है। यहाँ पे अपना नाम पूरा लिख देना है, पिताजी का नाम लिखना है, फिर यहाँ पे जेंडर सेलेक्ट करना है, मेल है कि फीमेल है, फिर अपने यहाँ पे दोस्तों आपको डेट ऑफ बर्थ लिखना है, फिर यहाँ पे आपको करेंट एड्रेस लिखना, परमानेंट एड्रेस हमारा दोनों सेम है, तो हम दोस्तों यहाँ पे एड्रेस भर के दोस्तों, और यहाँ पे एबव हमने लिख दिया, यानी कि दोस्तों हमारा सेम है। अगर आपका अलग अलग है तो आप भर सकते हो। यहाँ पे आपको अपना मोबाइल नंबर भरना है, यहाँ पे आपको अपनी ईमेल आईडी भरना है, जैसा कि मैंने भरा हुआ है। ठीक है, उसके बाद दोस्तों दूसरे पेज में आ जाते हैं। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपको भरना है, ये बॉक्स दिया हुआ है, जो भी एजुकेशन क्वालिफिकेशन आप यहाँ भर सकते हैं। देखिए जैसे 10th का डिटेल मैंने भर दिया है, 10th हो गया और किस बोर्ड से है, कब पास आउट, कितने नंबर आपको प्राप्त हुए हैं, इससे 12th ग्रेजुएशन, जो भी चीज़ें आपके पास हैं आप यहाँ पे भर सकते हैं। डिसेबिलिटी है तो यस करना, नहीं तो नो कर देना है। प्रीवियस एक्सपीरियंस है तो यस करना, नहीं तो नो कर देना है। अगर आप किसी भी संस्था ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं तो आपको यहाँ पे फिल करना है, नहीं तो इसको छोड़ देना है। ठीक है, नीचे आना है, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं नेम एंड एड्रेस टू रेफरेंस, यानी कि दो लोगों का रेफरेंस देना है। जैसे आप बैंक अकाउंट खुलवाने जाते हैं तो कभी कभी आपसे रेफरेंस मांगा जाता है कि भाई दो लोगों का दीजिए जिनका पहले से अकाउंट खुला, लेकिन यहाँ पर दो लोगों का रेफरेंस मांग रहा है जो आपके रिलेटिव नहीं होने चाहिए, आसपास के कोई भी आप देख सकते हो। देखिए यहाँ पे हमने दिया रमेश सिंह, पिताजी का नाम शिव, एड्रेस हमने दे दिया है, और आप चाहो तो उनका मोबाइल नंबर भी यहाँ पे मेंशन कर सकते हो। दो लोगों का रेफरेंस आपको यहाँ पे फिल करना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आप देख पा रहे हैं प्रिफर्ड डिस्ट्रिक्ट फॉर वर्किंग, कहाँ पे आप काम करना चाहते हैं प्रेफरेंस आप दे सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं बस्तर, ठीक है, बनकेर और बीजापुर, हमने यहाँ पे दोस्तों ये 3 डिस्ट्रिक्ट दे दिए हैं काम करने के लिए। उसके अलावा अगर आपके पास कोई और एडिशनल क्वालिफिकेशन है, जैसे हमारे पास CCC लेवल, कंप्यूटर टाइपिंग, हिंदी इंग्लिश, तो हमने यहाँ पे दोस्तों फिल कर दिया। ठीक, उसका दोस्तों तीसरा पेज जो आपका आता है, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं इस तरह से, यहाँ पे आपको जो है फिल करना है प्लेस, किस जगह से आप भर रहे हैं। हम प्रयागराज से फिल कर रहे हैं तो प्रयागराज डाल दिए, फिर डेट डालना है किस डेट में आप फिल कर रहे हैं, तो यहाँ पे डेट डाल देना है। यहाँ पे 6/5/2024 एडवर्टीजमेंट नंबर, यहाँ पे अपना सिग्नेचर कर देना। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आप देख पा रहे हैं क्या क्या आपको डॉक्यूमेंट इसके साथ लगाना है। तो यहाँ पे आप ध्यान से देख पा रहे हैं कॉपी ऑफ आधार कार्ड, पैन कार्ड, कॉपी ऑफ डॉक्यूमेंट, करेंट एड्रेस, एड्रेस के लिए जो भी है आधार, निवास, जाति, कॉपी ऑफ 10th 12th ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट, कॉपी ऑफ एम्प्लॉयमेंट प्रूफ, अगर आप जो है इम्प्लॉयमेंट रहे हैं तो उसका प्रूफ है ना, नहीं है तो कोई बात नहीं। सारे डॉक्यूमेंट लगा के दोस्तों आपको इस फॉर्म के साथ इस फॉर्म को दोस्तों आपको भेज देना है। भेजने का जो आपका एड्रेस है वो मैं आपको फटाफट एक बार दिखाई दे रहा हूँ। तो दोस्तों ये रहा इसका फुल नोटिफिकेशन, और ये पूरा एड्रेस दिया गया जहाँ पे दोस्तों आपको क्या है भेजना है। लास्ट डेट जो फॉर्म पहुँचने की यहाँ पे आप देख पा रहे हैं 20 मई, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं बैंक ऑफ बड़ौदा रीजनल ऑफिस धामात्री 1st फ्लोर सोनकर प्लाजा फ्लोर, ठीक है, रुद्री रोड डॉक्टर अम्बेडकर वार्ड धामात्री, पिन कोड दिया हुआ है और स्टेट आपका छत्तीसगढ़। तो ये भर्ती आपकी छत्तीसगढ़ से 6 जिलों से दोस्तों आप 5 जिलों से निकाली गई, पर यहाँ पे टोटल 6 हैं। ठीक है, सैलरी वगैरह मैंने आपको बताई दी 25,000 रुपया है। ठीक है, इस पर कोई एग्जाम नहीं, सिर्फ इंटरव्यू होगा और उसी के बेस पे आपका ये सिलेक्शन होने वाला है। तो कुछ इस तरह से आप फॉर्म भर के भेज सकते हो, मैंने आपको डिटेल में सबको दोस्तों बता दिया है। फिर भी अगर किसी प्रकार का डाउट है, कुछ नहीं समझ में आया है, तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। चलिए दोस्तों वीडियो को समाप्त करेंगे। जय हिंद, जय भारत।